गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है, आप यहाँ पे आए हैं। आज आने का आपके सबके मकसद क्या है यहाँ पे, और आपको पहले ही बता दिया गया है कि आज हम यहाँ पे सेफ्टी ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। तो हमारे प्लांट में कई तरीके के काम चल रहे हैं, हमको क्या काम करना है, इसमें हमें कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी है, उसमें हैजार्ड्स क्या होने वाले हैं, उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है, क्या क्या हमें रिस्क हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आज आइडेंटिफाई करेंगे और हमें उसको कैसे कंट्रोल करना है वो चीज़ हम सीखेंगे। और साथ ही साथ हम कौन से वर्क को करते हैं और किस किस तरीके से उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसका एक सेफ्टी में EHS में एक वर्ड आता है हीरा। हीरा का मतलब होता है हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, मीन्स खतरे को आइडेंटिफाई करना और उसका क्या रिस्क हो सकता है उसका असेसमेंट करना। तो इस तरीके के वर्ड को हम कहते हैं हीरा। अब इसमें होता क्या है, अब हम कोई भी जॉब करने जा रहे हैं तो उस जॉब को पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम काम करने क्या जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें PTW लेना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करनी है साइट पे। तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है हीरा में, वो होता है हम अपने कार्य को सिलेक्ट करें, यानी कि चुने। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि हम वेल्डिंग का कार्य करने जा रहे हैं, तो वेल्डिंग का कार्य करना मतलब हमने अपना वर्क को सिलेक्ट कर लिया। अब इस वर्क को हमने कहाँ से सिलेक्ट किया, हमारे कई सारे काम हैं प्लांट में, एक्सकेवेशन का काम है, हाइट का काम है, वेल्डिंग का काम है, कटिंग का काम है, और सिविल का काम चल रहा है, इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा है, कई तरीके के काम चल रहे हैं। तो हमने इन सब में से ब्रेक कर लिया इस अपने एक एक्टिविटी को, तो इसको सेकेंड होता है ब्रेक द जॉब। तो हमने अपने कार्य को अलग कर लिया। अब उस कार्य में, यानी कि वेल्डिंग के वर्क में, हमें क्या क्या हैजार्ड आने वाले हैं, क्या क्या चीज़ों से हमें खतरा होने वाला है, उन चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उन जो भी हमारे हैजार्ड्स आने वाले हैं, ये अब हमारा कार्य रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ में जो इंजीनियर्स खड़े हैं, सेफ्टी ऑफिसर्स खड़े हैं, ये हम सब कैलकुलेट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको एक हीरा फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें हम सारी की सारी चीज़ें कवर करते हैं, और साथ ही साथ PPEs क्या लेनी है, प्रिकॉशंस क्या लेनी है, और उनको कैसे कंट्रोल करना है, हैजार्ड को कैसे मिनिमाइज करना है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि जैसे सपोज हमने वेल्डिंग का कार्य की बात की है, तो अब हम वेल्डिंग के कार्य से ही शुरुआत करते हैं। वेल्डिंग के कार्य के लिए हमें कौन से हैजार्ड्स हो सकते हैं और उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनमें क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, सावधानियां बरत सकते हैं, वो हम आपको बताते हैं। तो जैसे वेल्डिंग हम काम करते हैं, तो वेल्डिंग के काम करने में आपको पता है कि स्पार्क होता है। स्पार्क जब निकलता है, चिंगारी जिसे कहते हैं, चिंगारी जब निकलती है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आग लग सकती है आसपास के एरिए में, या हमारे पास में कोई ऐसा चीज है रखी हुई जिससे हमें आग का खतरा हो गया, तो हमें कह सकते हैं कि फायर का खतरा है स्पार्क की वजह से। दूसरा है, जो हम वेल्डिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है वो किसी इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग है, तो उसमें सप्लाई होगी, बिजली की सप्लाई आ रही है, तो उस बिजली की सप्लाई से हमको क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, यानी कि हमको करंट वगैरह लग सकता है। और क्या क्या हो सकता है कि जब स्पार्क हो रहा है, आग लग रही, तो हमें बर्न हो सकता है, हमें कोई बर्न, यानी कि जल सकते हैं, बर्न इंजरी हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम आगे हम और क्या देख सकते हैं कि अगर अब यही वेल्डिंग हमें कुछ हाइट पे करनी है तो हम हाइट पे से गिर सकते हैं वेल्डिंग करते टाइम पे। तो इस तरीके के कुछ हम हैजार्ड्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब इनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे और हमें क्या PPEs, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या फॉलो करने हैं, उसका भी इसी में ही सारा कुछ कैलकुलेशन हो जाएगा। अब हमें पता चल जाएगा कि हम वेल्डिंग में कार्य करने जा रहे हैं तो हमें कौन से PPEs की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया आग लग सकती है, तो आग किन वजहों से लग सकती है, आग हमारे पास में तब लग सकती है जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं, स्पार्क निकलेगा, स्पार्क उन चीजों को पकड़ सकता है जो फ्लेमेबल हो, यानी कि जिन चीजों में आग लग सकती हो, जैसे कागज हो गया, कपड़ा हो गया, आपका प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, इस तरीके की जो चीजें हैं जिसमें आग लग सकती है, तो उस चीज को हम अवॉइड कर दें, वहां से पूरा रिमूव कर दें।
जितना भी हमारा फ्लेमेबल मटेरियल है या फ्लेमेबल लिक्विड है, जैसे कि डीजल है, पेट्रोल है, थिनर है, केरोसिन ऑयल है, तो इस टाइप की चीज़ों को हम वहाँ से हटा दें। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि कोई भी आग जिसमें लग सकती है वो मटेरियल या वो लिक्विड वहाँ पे नहीं होना चाहिए। उस चीज़ से हमें अपनी साइट को पहले फ्री करना है। दूसरा, अब हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम क्या करेंगे, जहां से सप्लाई ले रहे हैं हम वो सोर्स को सबसे पहले अर्थिंग करेंगे, फिर उसकी जो केबल आ रही है वो हमारे इंडस्ट्रियल बोर्ड में आनी चाहिए। बोर्ड हमारा इंडस्ट्रियल हो, केबल हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें कोई कट नहीं लगा होना चाहिए। अगर कोई कट लगा हुआ है तो बीच में इंडस्ट्रियल कनेक्टर लगा हो, या फिर जो है हमारा उसमें इंसुलेशन प्रॉपर देके हमने उसमें ज्वाइंट किया हुआ हो, ज्वाइंट भी हमारे कनेक्टर के थ्रू होना चाहिए। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें केबल सेफ होने से हमारा बीच में कोई भी शॉर्ट सर्किट वगैरह, अर्थ फॉल्ट वगैरह नहीं होगा, जिससे हमें शॉक लगने से बच गए। अब हम क्या करेंगे, जो बोर्ड होगा, बोर्ड में हमारा ELCB जरूर होना चाहिए। ELCB किसे कहते हैं, ELCB हमारा एक MCB टाइप होता है जिसका वर्क होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, तो इसको हम उसमें प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम जो है इलेक्ट्रिकल शॉक से बच जाएंगे। जब हमने आग को कंट्रोल कर लिया और अब हमने इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर दिया, अब रहता है जलने का खतरा। तो जलने के खतरे को लिए हम क्या करते हैं, अब हमारी PPEs आती हैं यहाँ पे, तो हम लेदर ग्लोव्स यूज करते हैं वेल्डिंग के टाइम पे, लेदर एप्रॉन यूज करते हैं, हेलमेट लगाते हैं, फेस शील्ड लगाते हैं, होल्डर प्रॉपर होते हैं अर्थिंग वाला, वेल्डिंग वाला, और साथ ही साथ जो है हमारे जो शूज़ होते हैं, सेफ्टी शूज़ हम उनको पहनते हैं। इस तरीके की सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके हम जलने से बच सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने कुछ डिस्टेंस पे, जहाँ पे एक्सेस इजी हो, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर और सैंड बकेट्स को रखते हैं। इससे आग लगने के चांसेस जैसे ही होंगे हम उसको आग को बुझा दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। अब फॉल फ्रॉम हाइट है, यानी कि ऊंचाई से गिरने का खतरा है, हम ऊंचाई पे हाइट पे काम कर रहे हैं, तो हमें फुल बॉडी हार्नेस यूज करनी है, और वो भी साथ ही साथ ऐसी होनी चाहिए जिसमें दो साइड से, यानी कि टू लेनर्ड होनी चाहिए, दो साइड हम उसको टाई कर सकते हो, और वो प्रॉपर तरीके से टाई होनी चाहिए, सेफ गार्ड उसमें प्रॉपर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि हमें वेल्डिंग के कार्य में और क्या काम करना है। जैसे अब हमें उसमें कटिंग भी करनी होगी, तो कटिंग के टाइम पे हमें क्या करना है, कटिंग के टाइम पे हमने ग्राइंडर यूज करना है या फिर हैंड कटर यूज करना है या चौपसा कटर यूज करना है। तो सबसे पहला तो कार्य हमारा वही हो गया कि इसमें हैजार्ड क्या हो सकते हैं, इसमें भी आग लग सकती है। अब इसका जो ब्लेड होता है वो हमारे टूट के किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। PPEs हमने प्रॉपर नहीं पहने हुए हैं, इसकी वजह से हमें चोट लग सकती है, या फिर जो है इसका व्हील टाइट नहीं हुआ है तो वो निकल सकता है और हमारी बॉडी को या हमारे साथी को, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। इन सब चीज़ों से भी प्रिकॉशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, हमारा कार्य है कि हम गार्ड को जो है, जो हैंड कटर या फिर आपने देखा होगा अपना जो ग्राइंडर रहता है उसके ऊपर गार्ड लगा रहता है, वो गार्ड लगा के काम करेंगे, वो साइड से करेंगे। कभी भी हमको जो है ना 180 डिग्री में, यानी कि सीधे सीधे बैठ के कटिंग या ग्राइंडिंग नहीं करनी है, हमको साइड में बैठना है, जहां पे कोई कर रहे हैं हम उसके साइड में बैठ के काम को करना है। अब उसके व्हील को प्रॉपर टाइट कर देंगे, और जो हमने PPEs पहननी है वो हम प्रॉपर पहनेंगे, जिसमें हमारा लेदर ग्लव्स हो गया, एप्रॉन हो गया। इसमें भी हम जब देखते हैं कि ग्राइंड करते हैं या फिर हम कटिंग करते हैं हैंड कटर से, तो हमारा या चौपसा कटर से, तब भी हमारे ये आर्क निकलता है, चिंगारियां निकलती हैं, आपने देखा होगा, तो उसको भी हमें इन सब चीज़ों से ही बचाना है। साथ ही साथ जो भी कोई आग लगने वाली वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उनको हमें अपने एरिया से दूर कर देना है, एरिया को पूरा क्लीन कर देना है। तो नॉन फ्लेमेबल एरिया हमें अपना वहां पे बनाना है, और जितने भी फ्लेमेबल आइटम हैं, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो किसी मटेरियल के फॉर्म में हो, हमें उसको वहां से सबको निकाल देना है। तो इस तरीके से हम वेल्डिंग और कटिंग के कार्य से सावधानी पूर्वक कार्य कर सकते हैं, और इन सारी PPEs को, सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें, छोटा सा एक टॉपिक और मैं ले लेता हूं आपके साथ में, हाइट पे काम करने का। तो जैसे अगर मैं हाइट पे काम कर रहा हूं, तो हाइट पे मेरे को क्या क्या हैजार्ड हो सकते हैं। सबसे पहला तो मैं खुद हाइट से गिर सकता हूं, दूसरा मेरे पास जो मटेरियल है मैं उससे काम कर रहा हूं, या कोई टूल है वो नीचे गिर सकता है, या कोई इक्विपमेंट जिस पे मैं काम कर रहा हूं वो नीचे गिर सकता है, जिससे मैं
जिस चीज पे मैं चढ़ रहा हूं या जहां से मैं गुजर रहा हूं चढ़ने के लिए, उसका जो रास्ता बनाया गया है वो प्रॉपर नहीं है, तो वहां से उस तरीके से नुकसान हो सकता है। दूसरा, जो वर्टिकल डिस्टेंस हम लेते हैं चढ़ने के लिए, जो स्टेप्स लेते हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म नहीं ली गई, वो अनइवन ले गई हैं। जितना हम हाइट पे चढ़ भी नहीं सकते उतनी हाइट पे कर दिया गया उसको। या जो मटेरियल हाइट स्केफ फोल्डिंग है या कोई भी हमने उसको, नॉर्मली तो हम स्केफ फोल्डिंग पे ही वर्क करते हैं, उसको हमने मटेरियल जो यूज़ किया है वो प्रॉपर नहीं है, वो सड़ गया है या बहुत पुराना हो चुका है, वो टूटने का डर है, तो इस तरीके का है। या फिर हमने जो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हमने कुछ लूज या फिर अनवांटेड मटेरियल जिसकी वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है वो भी वहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है, तो वो नीचे गिर सकता है या हमारे हम उसके साथ में उलझ सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा एक उसमें और ख़तरा है, वेदर कंडीशन। जैसे ही हम देखते हैं कि हम हाइट पे काम कर रहे हैं और अगर वेदर कंडीशन ख़राब हो जाती तो भी हमें बारिश की वजह से या फिर हम हवा तेज़ हवाओं की वजह से, तो इन सब चीज़ों से भी हमें अपने आप को थोड़ा सुरक्षित रखना है, वेदर कंडीशन को भी फॉलो करना है। इसके लिए प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं? प्रिकॉशंस में हमें, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हाइट पे जब वेल्डिंग करनी है तो सेम वही यहाँ पे हमें हाइट पे कोई काम करना है तो वो कोई भी काम हो सकता है, जैसे स्विच यार्ड वगैरह में या बिल्डिंग्स वगैरह में काम होते हैं हाइट्स पे, उस तरीके का कार्य हो सकते हैं। तो फुल बॉडी हार्नेस लेनी है जिसमें हमें टू लैनर्ड होना चाहिए, साथ ही साथ में जो भी हमने गार्डेड रेल लिए हैं वो प्रॉपर हमारा उसका जो भी फिक्सिंग हो रखी है प्रॉपर होनी चाहिए। हमारा जो वर्किंग स्पेस जहाँ पे हम काम करने जा रहे हैं वो अच्छे से इंजीनियर को इंस्पेक्ट करना चाहिए काम को अलाउ करने से पहले टीम को अपनी। उसके बाद जो हमने टूल यूज करने हैं ऊपर जाके वो सब हमने लैनर्ड करने हैं, यानी कि उसको हमें बांधना है, रस्सी से बांधना है। अगर कोई हमारा स्पैनर है, कोई हमारा वेल्डिंग का कोई पार्ट है या फिर हमने वेल्डिंग रॉड्स ही यूज करनी है, कुछ भी आइटम हम जो यूज करेंगे ऊपर, कोई मान लीजिए टॉर्किंग का है, रैचेट का कोई पार्ट है या फिर हमने उसमें क्रिम्पिंग करनी है, तो इस तरीके से जाके हमको सारी चीज अपनी जो भी हम यूज कर रहे हैं वो हमें टाई करना है अच्छे से, ताकि वो अगर छूट जाए हमारे हाथ से तो नीचे किसी के ऊपर ना गिरे। सेम ऐसे ही हमारा जो इक्विपमेंट है उसे भी हम प्रॉपर तरीके से टाई करके रखें, इन केस कोई खुदा न खास्ता कोई बात हो जाती है तो वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, किसी के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। और साथ हमने जहां वहां पे कोई भी अनवांटेड मटेरियल नहीं रखना है, जो भी हमारे काम की चीज है उसी काम को हमको वहां पे यूज करना है, बाकी वहां से मटेरियल सारा हटा देना है। तो ये सारी सेफ्टी की ट्रेनिंग में सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं हमारे कार्य को करने के लिए, और जिस काम को हम करते हैं हर काम के लिए अलग अलग सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो आशा करता हूं आज आपको सबको यहां पे जो भी मैंने सेफ्टी से रिलेटेड ट्रेनिंग दी है, आपको बताया है कि आपके सेफ्टी इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं, नॉर्मली आपका लेदर ग्लोव्स के बारे में बताया, एप्रॉन के बारे में बताया, हेलमेट के बारे में बताया, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में बताया, और आपके शूज़, जैकेट, ये सारे चीज़ों के बारे में बताया, हार्नेस के बारे में बताया। तो ये सब आप लोग को आगे जब भी आप काम करेंगे वो सब याद रहेगा, काम के अकॉर्डिंग आप करेंगे, और जैसे आप स्वस्थ और सुरक्षित अपने घरों से इस प्लांट पे काम करने आए हैं ऐसे ही स्वस्थ और सुरक्षित कार्य करके अपने घर को वापस जाएंगे, अपनी फैमिली वालों से मिलेंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रह के कार्य करेंगे, जिससे ना तो आपका नुकसान हो और ना ही प्लांट का कोई नुकसान हो। तो चलिए एक बार आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सब लोग यहाँ आए। मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप कहीं भी कार्य करें वो हमेशा सेफ्टी में रह के करें और सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करें। जो भी आपके सेफ्टी ऑफिसर्स, आपके इंजीनियर, आपके सुपरवाइज़र, जो भी आपके सीनियर आपको बोलते हैं आपको सुरक्षित रखने के लिए, वो जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं आप उसको फॉलो करें। चलिए फिर मिलेंगे, धन्यवाद, थैंक यू।